सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए थर्सडे यानी कि गुरुवार 14 मार्च 2019 की 6 बड़ी सरकारी नौकरियों की अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये भर्तियाँ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोस्ट के लिए निकली है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसीज है। सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इन भर्तियों पर लास्ट डेट से पहले पहले अपनी एलिजिबिलिटी और चॉइस के अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन भर्तियों पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो, कितनी सैलरी आपको सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद प्रोवाइड की जाएगी, क्या यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है जिसके तहत आपका चयन किया जाएगा, किन डेट से पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आवेदन कर सकते हो, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इन भर्तियों की पूरी जानकारी। फर्स्ट नंबर की जॉब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार के अंदर निकली है। यहाँ पर पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 1676 है जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं। बात अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो कैंडिडेट्स के पास बीई की डिग्री या फिर बीटेक की या फिर एमई की या फिर एमटेक की डिग्री का पास होना जरूरी है इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 22 साल रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, 22 साल एज यहाँ पर फिक्स है। सैलरी आप ऑफिशियल नोटिस से रीड कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस भी आप ऑफिशियल नोटिस से ही देख सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट थी 11 मार्च 2019। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो वो 31 मार्च 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है जो कि है dst.bih.nic.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल वन बाय वन केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको सेकंड नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर प्रिंसिपल हेड मास्टर या हेड मिस्टीरियस ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 864 है जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का होना जरूरी है या फिर बीएड पास होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर आपके 18 से 37 साल रखी गई है। सैलरी आपको ₹10,300 से 39,100 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप ऑफिशियल नोटिस से रीड कर सकते हो। सिलेक्शन आपका यहाँ पर रिटर्न टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। डेट की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की लास्ट डेट 2 अप्रैल 2019 है। वहीं आप फीस 9 अप्रैल 2019 से पहले पहले जमा करा सकते हो। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है जो कि है www.ppsc.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल वन बाय वन केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको थर्ड नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है कर्नाटका PWD के अंदर। पोस्ट के नाम है यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। टोटल वैकेंसीज 870 हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग डिग्री होना जरूरी है किसी वेल रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। एज लिमिट यहाँ पर आपके 18 से 30 साल रखी गई है। सैलरी आपको ₹33,450 से 83,900 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो। जैसे कि जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 आवेदन शुल्क है। वहीं SC ST PWD और EX सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट थी 11 मार्च 2019। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2019। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को कर्नाटका PWD की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है जो कि है kpwd.co.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल वन बाय वन केयरफुली रीड करने के बाद
आप यहाँ पर भी इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको फोर्थ नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर फायर ऑफिसर, इकोनॉमिस्ट, सिक्योरिटी ऑफिसर, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर, क्रेडिट ऑफिसर और फॉरेक्स ऑफिसर। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 185 है जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का होना जरूरी है किसी वैली कगना यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। एज लिमिट आपकी बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से रखी जाएगी। सैलरी भी आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पे कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप ऑफिशियल नोटिस से देख सकते हो। सिलेक्शन आपका यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट थी 12 मार्च 2019, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट है 29 मार्च 2019। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है जो कि है www.unionbankofindia.co.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल वन बाय वन केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको फिफ्थ नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है इंडियन नेवी के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन इन एग्जीक्यूटिव एंड एजुकेशन ब्रांच। जी हाँ दोस्तों, एग्जीक्यूटिव और एजुकेशन ब्रांच के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन में इंडियन नेवी में भर्ती निकली है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 53 हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स का कम से कम बी या फिर बीटेक की डिग्री पास होना जरूरी है किसी वैली कग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट की पैदाइश 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2001 के बीच में होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका जन्म 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2001 के बीच में होना चाहिए इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए। सैलरी आप ऑफिशियल नोटिस से रीड कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस भी आप ऑफिशियल नोटिस से ही देख सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 16 मार्च 2019 है, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो वो 5 अप्रैल 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट को इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है जो कि है www.joinindiannavy.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 6 यानी कि लास्ट नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हरियाणा के अंदर। पोस्ट के नाम है यहाँ पर जूनियर प्रोग्रामर, नर्स, क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, लैब अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन हेल्पर और हेल्पर। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 60 हैं जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट का कम से कम 10वीं क्लास पास होना जरूरी है या फिर 12वीं क्लास या फिर ग्रेजुएट डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पास होना जरूरी है या फिर डिप्लोमे का होना आवश्यक है इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए। एज लिमिट यहाँ पर आपके 18 से 50 साल रखी गई है। सैलरी आपको लेवल 2 से 7 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 आवेदन शुल्क है, वहीं एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल ₹125 आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट थी 12 मार्च 2019, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 15 अप्रैल 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट को गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है जो कि है www.gjust.ac.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इन भर्तियों के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके पूरी डिटेल उनमें से रीड कर सकते हो। प्लस आपको वहीं पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक भी दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप लास्ट डेट से पहले पहले इन भर्तियों पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी आपके मन में इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।
और अंत में दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग रिक्रूटमेंट के अपडेट्स अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।